अब साथ ही बात अगर इस क्वेश्चन की की जाए तो इंपोर्टेंट तो है भी करेगा सीधी सी बात है ये बताने आई की यही नहीं जरूरत कि इम्पोर्टेंट है हम समझ नहीं कहेंगे ठीक है आप समझ लेना अब देखिए ये लुप्त तो संख्या से है ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं दबा के तो आपको भी तैयारी कैसे करनी है दबा के ही करनी है ठीक है ना चलिए देखिए कैसे क्या होगा अच्छे से एक बार रीड करिए देखिए सिक्स थर्टीन ट्वेंटी फाइव फिफ्टी वन उसके बाद वन हंड्रेड वन अब पूछ रहा है पे क्वेश्चन मार्क क्या है भी करेगा तो आप आइडिया लगाओ ये सीरीज़ किस प्रकार से चल रही है आपको खुद ना खुद पता अपने आप पता लगेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए कैसे होगा देखिए देखना है अच्छे से साथ ही अगर देखो वीडियो पसंद आ रही है तो आपने जो बताया वो तो करी दोगे और कमेंट करके मैं बताओ एक बार कि आपको वीडियो समझ आ रही कि नहीं आ रही कौन सा क्वेश्चन समझ आया कौन सा नहीं आया ये बात तो हमें बताओ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे आपका रिस्पॉन्स हमारी मतलब बहुत फ़ायदेमंद रहता है बताते हो तो आइडिया लगता है कि आप लोग समझ पा रहे हो बात तुम्हारी कि नहीं देखिए इसमें क्या हुआ है छः का दोगुना कर दिया तो कितने हो गए बार है लेकिन बारह में एक कर दिया मतलब क्या कर दिया मल्टीप्लाई टू प्लस टू यही हुआ ना इसके बाद क्या हुआ तेरह का दो गुना कर दो छब्बीस तो इसमें क्या हो गया गुड़े दो आ, देखो छः दूनी बारह प्लस वन हुआ देखना साथ ही सॉरी सॉरी थोड़ा सा गलती हुआ है पता क्या देखो छः धूनी बारह बारह में एक जोड़ दिए तेरह मतलब गुड़ें दो प्लस वन ये हुआ है पहली बारी में तो दूसरे में क्या हुआ थर्टीन का दो गुना कर दो कितना हो जाएगा छब्बीस मतलब गुणे दो माइनस वन यहाँ पर माइनस वन हो गया छब्बीस एक कम करो पच्चीस तो मतलब पहले हो रहा है गुड़े टू प्लस वन फिर गुड़े टू माइनस वन अब देखो यही होगा होगा देखना गुड़े टू तो पच्चीस दूनी पचास और प्लस वन इक्यावन देखो आ रहा है अब की बार घटा होगा देखो इक्यावन दूनी एक सौ दो एक सौ दो में से एक घटा दिया कितने बजे एक सौ एक तो उसकी बार क्या होगा उसकी बार फिर जुड़ेगा तो देखो एक सौ एक दूनी कितने होंगे दो सौ दो और एक और जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे दो सौ तीन हो जाएंगे ठीक है भाई अब यही तो होगा ये वाला शेडील तो एक सौ एक दूनी दो सौ दो और एक जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे दो सौ तीन हो जाएंगे जो कि उस नंबर सी में दिया गया है ठीक आई होप ये भी प्रश्न बहुत अच्छी समझ आया होगा बिल्कुल समझ आया होगा इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपको समझ ना आए